लखनऊ से बड़ी खबर है, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू हो जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सभी जानकारी आज से जुटानी शुरू हो जाएगी। 15 अक्टूबर तक पूरा होगा मदरसों का कार्य। आपको ये बता दें कि जो सर्वे करना है उसकी जो तारीख है सर्वे को पूरा करने की, वो 15 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। योगी सरकार के आदेश पर मदरसों की सर्वे का कार्य आज से शुरू हो जाएगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जिनका सर्वे आज से शुरू होने जा रहा है, इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटाई जाएगी और 15 अक्टूबर तक ये मदरसों के सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा। 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट सौंपनी है। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू, फंस गए गुरु। अवैध पर नकेल, फर्जी मदरसों का बंद खेल। आतंक के सिलेबस पर बाबा का बुलडोजर। यूपी में आज से अवैध मदरसों पर नकेल कसने का काम शुरू हो रहा है। यूपी के तमाम जिलों में मदरसों के सर्वे का काम आरंभ हो जाएगा। ये सरकार के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। जमीयत उलेमाए हिंद तो इस पर दिल्ली में बैठक भी कर चुका है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसे छोटा NRC बता रहे हैं। मुस्लिम संगठन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है, मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चों के हित में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि सर्वे के काम के लिए हर जिले में टीम का गठन किया गया है। तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। 5 अक्टूबर तक मदरसों में सर्वे का काम चलेगा। इसके बाद DM को रिपोर्ट दे दी जाएगी और 25 अक्टूबर को यूपी सरकार के पास ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अब जानते हैं सर्वे का मकसद क्या है और मदरसों के सर्वे में कौन कौन सी खास बातें शामिल हैं। टीम पता लगाएगी कि मदरसे मान्यता प्राप्त हैं या नहीं, मदरसे को चलाने वाली संस्था कौन सी है, मदरसे को कब से चलाया जा रहा है, मदरसे की आमदनी कहां से हो रही है, मदरसे की बिल्डिंग अपनी है या किराए की है, मदरसों में छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। सर्वे होने के बाद मदरसों की सही स्थिति का आंकलन होगा। ये बात भी सामने आई है, यूपी में 19,000 से ज्यादा मदरसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली है। इनमें से 16,800 मदरसों ने पोर्टल पर डेटा डाला है, लेकिन बाकी के मदरसों ने जानकारी नहीं दी है और उन्हें हाईटेक बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। अगर सर्वे के दौरान मदरसे सही जानकारी नहीं दे पाए और वो अवैध पाए गए तो उन पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। असम में पिछले दिनों आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद कुछ मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया था। सर्वे से मुस्लिम संगठनों और मदरसा संचालक में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ऐसी भी शिकायत आई है कि कई मदरसे कागजों पर चल रहे हैं जिन पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, आज से इनके सर्वे का कार्य शुरू हो जाएगा, अभी क्या अपडेट है जरा बताइए सबसे पहले। देखिए, आज से तमाम जो टीमें हैं वो सर्वे काम शुरू कर देंगी। हर जनपद में जो जिलाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है और 15 अक्टूबर तक ये पूरा जो सर्वे का काम है ये कंप्लीट करना है। इसके बाद 25 अक्टूबर तक जो है शासन को जो जिलाधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके सर्वे के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मदरसों को अनुदान कहाँ से मिलता है, इसके साथ साथ वहाँ पर किस तरह का पाठ्यक्रम जो है पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही साथ मदरसों के अंदर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब तमाम बिंदुओं पर जो है ये पूरा मदरसा जो सर्वे है वो डिपेंड करेगा। फिलहाल इन पॉइंट्स पर जो है आज से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं
उनको लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि 15 अक्टूबर तक उनका पूरा सर्वे काम होना है और 25 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जो है ये शासन को दी जानी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज से जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी और फिलहाल आज से उत्तर प्रदेश का जो तमाम जो जिलाधिकारी हैं अलग अलग जिलों के और उनके नेतृत्व में जो उप जिलाधिकारी रहेंगे इसके साथ साथ जो SDM रहेंगे उन सभी को जो है ये जिम्मेदारी जो है दी जाएगी और टीम गठित की गई है जिलों में और जिलों में ये टीमें जो है तहसील लेवल तक ये पूरा जो मदरसे का सर्वे काम है ये करेगा। इसमें सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त ही मदरसे शामिल होंगे, इसमें मान्यता प्राप्त मदरसे जो है इस सर्वे में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो ये फिलहाल आज से इसकी प्रक्रिया जो है इसकी शुरुआत हो रही है। जी ठीक है, यानी आज से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसको लेकर विशाल राजनीति भी पूरी तरह से हो रही है, चाहे आप बर्क को देख लीजिए या फिर असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, सर्वे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये जरूरी भी है कि बच्चों को किस तरह की सुविधा मिल रही है, किस तरह की शिक्षा उन्हें वहां पर मिल रही है, ये भी इससे क्लियर हो जाएगा सर्वे से। विशाल देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज से सर्वे की शुरुआत जरूर हो रही है, लेकिन इससे पहले आपने देखा चाहे वो ओवीसी का बयान हो, इसको जो है CNRC से कंपैरिजन करना हो, या बर्क का बयान हो, या आप जमीयत उलमा हिंद का बयान देख लीजिए, तमाम जगहों पर इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। हालांकि एक राहत की बात ये भी रहेगी कि उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें अगर कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हैं तो उनको जो है मदरसों को जो है बाकायदा ऑथराइज किया जाएगा, तो ये एक अच्छा कदम भी है। लेकिन इस कदम को जो है मदरसों के जो तमाम जो उनका मदरसों का जो स्वरूप है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तमाम है। जो विरोध ठीक है, यानी वो बदलाव है ये जिनका आप जिक्र कर रहे हो कि जब सर्वे होगा तो उसके बाद इस तरह की तस्वीर दिखेगी कि दूसरे विषय की पढ़ाई दीनी शिक्षा के अलावा इन विषयों में शामिल है या फिर नहीं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो क्लियर हो जाएंगे। विशाल, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच मौलाना साबुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है साबुद्दीन आपका जी मीडिया पर। चूंकि आज से मदरसों का सर्वे शुरू हो रहा है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे आज से शुरू हो जाएगा, क्या कहेंगे आप साबुद्दीन जी? सर्वे जी बिल्कुल सर्वे शुरू हो गया है और आज से शुरू हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारा और उलमा का यही नजरिया है कि सर्वे बेशक किया जाए, कोई उसमें सर्वे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर सर्वे के नाम पर मदरसों को मदारिस के अराकीन को पड़तालीन न किया जाए, उलमा को पड़तालीन न किया जाए और अच्छे अंदाज कायदे तरीके से शफाफियत के साथ में जो है वो सर्वे हो और साथ ही जो मदरसे की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो। सबसे अहम समस्या जो है, लेकिन आपको इस तरह का डर क्यों लग रहा है कि प्रताड़ित किया जाएगा आपको? सबसे अहम समस्या तहतानिया और फौकानिया मदरसे की मान्यताओं का है, जो मान्यताएं काफी सालों से रुकी हुई हैं उन मान्यताओं को जारी किया जाए। सर्वे में मदरसे के लोग जो है कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, जो भी जानकारी चाहेंगे सर्वे ऑफिसरान तो उनको पूरी मुकम्मल जानकारी मदरसे की दी जाएगी, जिस तरीके से भी चाहेंगे वो दी जाएगी। मदरसों के दरवाजे सर्वे करने के अधिकारियों के लिए खुले हुए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि देखिए आपको दिक्कत कोई भी नहीं है, अगर ये सर्वे हो रहा है तो अच्छी बात है ना शाहबुद्दीन जी? जी बिल्कुल अच्छी बात है, मगर इसमें सर्वे के नाम पे मदरसे के लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। नहीं तो आपको लग ही क्यों रहा है ऐसा कि प्रताड़ित किया जाएगा सर्वे के नाम पर? नहीं, पिछले दिनों प्रताड़ित किया गया है और गुज़श्ता सालों में प्रताड़ित किया गया, अलग अलग आदेश दिए गए हैं, अलग अलग चीजें दी गई हैं। चूंकि मैं मदरसे से वाबस्ता हूँ इसलिए बहुत करीब से मैं जानता हूँ तमाम चीजों को, फिर उसमें अलग से मानता के नाम। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। नावेद सिद्दीकी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। नावेद जी बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर, आज से मदरसों का सर्वे शुरू होने जा रहा है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, क्या कहेंगे आप?